हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब सीरीज तांडव के बारे में एंड उसकी इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने जब तांडव वेब सीरीज जो एमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, 15 जनवरी से स्ट्रीम हो रही है, उसे रिव्यू किया था, तब काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम इस सीरीज को अच्छा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये वेब सीरीज लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इस सीरीज में हिंदू गॉड्स का एलिजिडली मजाक उड़ाया गया है। सबसे पहले उन सबको मैं जवाब दे दूं, हम कस्टोडियंस ऑफ लॉ नहीं है, हम पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, हम कोर्ट कचहरी नहीं है, हम वेब सीरीज या फिल्म या किसी को भी जब रिव्यू करते हैं एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। अगर आप हमारे रिव्यूज देखते आ रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव रिव्यूज में इन प्रकार की सब्जेक्टिव चीजों के लिए कोई जगह नहीं है कि ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है सीन, या ये फिल्म में या ये फला फला वेब सीरीज में ये चीज गलत है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, एक कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी बातें हम जनरली हमारे रिव्यूज में नहीं कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेकर्स के साथ हैं या मेकर्स के अगेंस्ट हैं, ये हमारा काम ही नहीं है। हम ना तो पुलिस हैं ना कोर्ट है, और इसलिए वी आर नॉट द राइट पीपल टू कॉमेंट ऑन वॉट इज रॉन्ग और राइट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स आर कंसर्न। तो इसलिए हमने उस दिशा में बात ही नहीं की थी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं की, क्या हम मेकर्स के साथ हैं या उनके अगेंस्ट है? जैसा मैंने पहले भी समझाया, हमारा काम नहीं है, इसलिए हम अभी भी कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा, जो कि दोनों तांडव वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स हैं और अली अब्बास जफर ऑफकोर्स उसके डायरेक्टर भी है, दोनों ने माफी मांगी है, पब्लिक से माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर अनजाने में किसी को बुरा लग गया है कि भगवान का, हिंदू गॉड्स का, हिंदू गॉडेसेस का मजाक उड़ाया गया है, तो वो सच्चे दिल से, तहे दिल से माफी मांगते हैं। यहां पर नहीं रुके हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अमेज़न प्राइम वीडियो एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग्स भी की, और मीटिंग कंप्लीट होने के बाद, अपोलॉजी देने के बाद, अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा ने कुछ कट्स भी इफेक्ट किए हैं। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्शनेबल सीन्स या एलिजिडली ऑब्जेक्शनेबल सीन्स जो थे वो इस वेब सीरीज से निकाल दिए गए हैं, और अब जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है, दैट इज द री एडिटेड वेब सीरीज। कहने का मतलब है जो एलिजिडली ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे उन सबको निकाल दिया गया है ताकि किसी को अब बुरा नहीं लगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, पहले तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने माफी मांगी, उसके बाद भी जब विवाद खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि बजाय के किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे, हम सीन्स को ही काट डालते हैं, और वो हो गया है। तो अब जो आप सीरीज देखेंगे, दैट वुड बी द री एडिटेड वर्जन विद द सीन्स और द सो कॉल्ड ऑब्जेक्शनेबल सीन्स डिलीटेड। दोस्तों, फिल्म और वेब सीरीज में यही फर्क है। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम CBFC के नाम से जानते हैं, उसके सर्टिफिकेट की जरूरत होती है बिफोर इट इज रिलीज्ड थिएट्रिकली। लेकिन वेब सीरीज या अगर फिल्म डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती है तो उन वेब सीरीज और फिल्म्स को सेंसरशिप की कोई जरूरत नहीं। कुछ महीनों पहले यानी 2020 में गवर्नमेंट ने OTT कॉन्टेंट या ऑनलाइन कॉन्टेंट को भी INB मिनिस्ट्री के अंडर प्लेस कर दिया था। तब ये डर था कि शायद OTT कंटेंट यानी वेब सीरीज, फिल्म्स वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म्स पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आएगी, उन्हें भी सेंसरशिप की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि OTT कंटेंट यानी वेब सीरीज और फिल्म्स जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आती है उन्हें सेंसरशिप की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी से दो तीन बातें क्लियर हो गई है। एक तो गवर्नमेंट चाहे OTT कंटेंट को सेंसर करे या करने का निर्णय ले या ना ले, लेकिन कुछ भी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो गवर्नमेंट स्टेप इन जरूर करेगी, जैसे तांडव के केस में, तांडव की कंट्रोवर्सी या तांडव के विवाद के केस में स्टेप इन किया है INB मिनिस्ट्री ने। इससे पहले भी
ओटीटी कंटेंट को लेकर काफी विवाद खड़े हुए हैं, और जनरली स्पीकिंग अपॉलोजी या तो दी जाती है या नहीं दी जाती है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां अपॉलोजी भी दी गई है एंड ऑब्जेक्शनेबल या एलिजिडली ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को डिलीट भी किया गया है। ऑफ कोर्स दूसरा रास्ता था कि कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन ना तो अमेज़न प्राइम वीडियो और ना ही अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहते थे, और उन्होंने सोचा कि अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, फाइनली तो लोगों के लिए ही हमने ये वेब सीरीज बनाई है, और अगर लोगों के ही सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हम उन सीन्स को ही निकाल डालें। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या ओटीटी कंटेंट को सर्टिफाई करना चाहिए, यानी ऑनलाइन कंटेंट पर सेंसरशिप आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाकर इस सवाल का भी जवाब दें, और ये भी हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड।